जो तेलंगाना रेवेन्यू बिल 2020 में उस विषय पर मुझे बात करने का जो आपने अवसर दिया है। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट अनेकों मेरे साथियों द्वारा बता दिया गया, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं सरकार के समय समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्षा, आज VROs को टोटली हटाकर MROs के ऊपर पूरा बार डालना, ये कहाँ तक ठीक है? इससे पहले भी नए पट्टा पासबुक जब इश्यू करने का सरकार द्वारा प्रस्ताव आया था, तो वो समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और प्रार्थना की थी कि मॉडल टेक्नोलॉजी लैंड का सर्वे कराया जाए, तो वो समय पर सरकार ने नहीं सुनकर वैसे ही पासबुक पट्टा दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारी गलतियां थी अध्यक्षा। और उन गलतियों को सुधारने के लिए कई हमारे किसान भाई MRO के ऑफिस के चक्कर काटते 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 थक चुके, लेकिन उनकी गलतियां पूर्ण नहीं हुई, लेकिन कई ऐसे केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग रह चुके अध्यक्षा। आज पर्टिकुलर VROs के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत ही करप्टेड है, जिनके कारण किसानों को प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जगहों पर किसानों को दिक्कतें आई हैं और बहुत सी जगहों पर MROs ने एक करप्शन की एक दुकान खोल कर रखी थी, लेकिन अध्यक्षा कुछ लोगों के कारण हम पूरी की पूरी टीम को पूरे के पूरे VROs के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसके ऊपर सरकार एक बार विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अध्यक्षा, VROs को हटाने के बाद में अगर पूरे का पूरा बार अगर MROs के ऊपर डाल देंगे, तो क्या गारंटी है जो काम VROs करे वही काम MRO नहीं करते, ये क्या गारंटी है? अगर MRO भी अगर उन्हीं रहते हुए उन्हीं किसानों के पास से अगर पैसे डिमांड करने लगे, तो फिर किसान कहाँ जाए? अध्यक्षा, आज हम कई ऐसे केसेस देख रहे हैं अध्यक्षा, रेड हैंड MRO भी पकड़े जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर भी पकड़े जा रहे हैं, तो कितने लोगों को हम व्यवस्था से हटाएंगे? अगर हम VROs को टोटली हटा देंगे, तो VROs को जो काम है क्या MRO कर पाएगा? पहले ही MRO समय नहीं देता था, तो पूरा का पूरा बार MRO को पर डालने के बाद में वो कहाँ से समय देगा? अध्यक्षा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष सर राजा सिंह गारू, अगर आप VROs को रखना चाहे तो आप वही बोल दीजिए। मैं रखना है या नहीं रखना ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के कारण सभी VROs के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। और क्या गारंटी है कि MRO रिश्वत नहीं लेगा? आज हम देख रहे हैं ना, तो MRO भी रिश्वत ले रहा है, डिप्टी कलेक्टर भी रिश्वत ले रहा है। व्यवस्था में चेंजेस आने की आवश्यकता है अध्यक्षा, एक कठिन कानून आने की आवश्यकता है। सो ठीक है, सरकार प्रयत्न कर रही है, सो हम भी सरकार का साथ देंगे। साथ ही साथ अध्यक्षा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि पूरे तेलंगाना में 1 करोड़ 55 लाख जो एग्रीकल्चर लैंड है, पूरा का पूरा सर्वे कराने का जो योजना बनाई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन लैंड में इंडोमेंट लैंड भी रहेगा, भूदान लैंड भी रहेगा, सीलिंग सरप्लेस लैंड भी रहेगा, और ये जितने भी जो लैंड रहेंगे, क्या ये सभी लैंडों का इसका सर्वे होगा? और ये सर्वे किस प्रकार से होगा, किस एजेंसी द्वारा होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ अध्यक्षा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो बिल लाया गया इसका तो हम समर्थन करते ही, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी फिर से विचार करने की आवश्यकता है
कि एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी किसान से अगर पैसा मांगता है, किसान को सताता है, तो उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ऐसा अगर कोई कानून लाते हैं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष।